अ पैसेज टू इंडिया को लिखा था एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने, जो पब्लिश्ड हुई थी 1924 को। ये नॉवल ईएम फॉस्टर के सबसे बड़े नॉवल के रूप में माना जाता है। इस नॉवल में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच हुए मतभेदों को बताया गया है। दरअसल ईएम फॉस्टर खुद भारत आए थे और इस नॉवल में उन्होंने खुद के एक्सपीरियंसेस को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम नॉवल के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। डॉक्टर अजीज, जो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर है, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है और एक अच्छे इंसान भी है। सिरिल फील्डिंग प्रिंसिपल है एक गवर्नमेंट कॉलेज के। एडिला क्विस्टिज एक यंग वुमेन है जो भारत आती है रॉनी से शादी करने के उद्देश्य से। मिसेस मूर रॉनी की माँ होती है, जो एक ओल्ड इंग्लिश वुमेन है। रोनाल्ड हेसलॉप, जिसका निकनेम रॉनी है और जो चंद्रपुर में सिटी मैजिस्ट्रेट है। प्रोफेसर गोडबोले, जिनका पूरा नाम नारायण गोडबोले है, जो एक जेंटल ओल्ड टीचर है। मिस्टर टर्टन, जो एक वाइट अफसर है। अ पैसेज टू इंडिया नॉवल डॉक्टर अजीज की कहानी है। यह तब की कहानी है जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और लोगों में अंग्रेजों के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। तो डॉक्टर अजीज जो कहानी के हीरो है, उसकी दोस्ती एक अंग्रेज से सिरिल फील्डिंग से होता है और दोनों में एक गहरी दोस्ती होती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब दो महिलाएं एडिला क्विस्टिज और मिसेस मूर को भारत विजिट करने का मन होता है और वो दोनों इंग्लैंड से भारत की ओर रवाना होते हैं। कुछ दिन बाद दोनों भारत पहुँचते हैं। एडिला और मिसेस मूर को भारतीयों के प्रति बड़ा प्रेम है। कहानी के शुरुआत में डॉक्टर अजीज अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं कि क्या भारतीय और अंग्रेज कभी दोस्त बन सकते हैं। तो तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आता है और कहता है कि मेजर कैलेंडर ने डॉक्टर अजीज को जल्दी बुलाया है। तो डॉक्टर अजीज जल्दी से अपने घर से निकलता है और जल्दी जल्दी में उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और जब अजीज मेजर कैलेंडर के बंगले में पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि मेजर कैलेंडर तो क्लब चले गए हैं और उनके लिए कोई संदेश भी नहीं छोड़ गए। तो डॉक्टर अजीज को बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब दो अंग्रेज महिलाएं सिविल सर्जन के घर से निकलते हैं और बिना उसके मर्जी के उसका भाड़े का टांगा लेके चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अजीज अपने घर की तरफ पैदल ही वापस चल पड़ते हैं। तो रास्ते में उसका एक फेवरेट मस्जिद आता है। तो अजीज मस्जिद में जाता है और देखता है कि एक अंग्रेजी महिला जो अपने शूजेस नहीं उतारे है। डॉक्टर अजीज को यह देखकर बड़ा गुस्सा आता है और अजीज उस महिला से रूडली होकर पूछता है। तो पता चलता है कि उस महिला ने शूजेस नहीं पहने हैं, उसे गलतफहमी हुई है। इस बात से अजीज को थोड़ा शर्म महसूस होता है और वो महिला होती है मिसेस मूर, जो भारत घूमने आई हुई है। बात करते करते उन दोनों में मित्रता जैसा माहौल हो जाता है। तो मिसेस मूर अजीज को बताती है कि वो भारत क्यों आई है। तो अजीज को पता चलता है कि रॉनी हेसलॉप जो सिटी मैजिस्ट्रेट है, वो मिसेस मूर का लड़का है जिसकी शादी एडिला से होने वाली है, जो मिसेस मूर के साथ भारत आई हुई है। अब डॉक्टर अजीज और मिसेस मूर पैदल ही क्लब तक आते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज क्लब में नहीं जाता। क्लब में एडिला के होने वाले मंगेतर रॉनी हेसलॉप बताता है कि एडिला वास्तविक भारत को देखने के इच्छुक है, वह उन्हें करीब से देखना व जानना चाहता है। तो मिस्टर टर्टन एक प्रस्ताव रखता है कि वह एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें कुछ भारतीयों को भी बुलाया जाएगा। जो पार्टी रखी जाती है वो होता है ब्रिज पार्टी। इस पार्टी का मकसद होता है कि दोनों समुदाय के लोग आपस में घुले मिले और एक दूसरे के कल्चर को जाने। लेकिन यहाँ पार्टी अपने मकसद में असफल रहता है, क्योंकि जहाँ सीरियल फील्डिंग भारतीयों से फ्रेंडली होके बात करते हैं, वही रॉनी जैसे कुछ अंग्रेज भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जिस वजह से मिसेस मूर रॉनी को समझाते भी है, तो रॉनी कहता है, आई एम नॉट इन इंडिया टू बी काइंड, देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। इसका मतलब होता है, मैं भारतीयों से दोस्ती करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं अपने राज कार्य को संभाल सकूँ। और इस प्रकार पार्टी में भारतीय एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, ऐसा महसूस होता है कि सब अपनी मर्जी के बिना ही पार्टी में शामिल हुए हैं, जिस वजह से इस पार्टी में एक अच्छा माहौल नहीं बन पाता और ये पार्टी एकदम बोरिंग सी हो जाती है। सिरिल फील्डिंग जो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें भारतीयों के प्रति कोई घृणा नहीं है, वो अपने घर में एक छोटा सा टी पार्टी रखता है
जिसमें उन्होंने मिसेस मूर, एडिला, डॉक्टर अजीज और प्रोफेसर गोडबोले, उन्हीं के कॉलेज में एक टीचर है, इन सभी को वो अपने घर में टी पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अजीज की मिसेस मूर से ये दूसरी मुलाकात है क्योंकि वो पहले मस्जिद में भी मिल चुके हैं। कुछ समय बाद बिल्डिंग मिसेस मूर को कॉलेज की इमारत दिखाने ले जाते हैं और डॉक्टर अजीज, प्रोफेसर गोडबोले और एडिला आपस में बातें करते हैं। उसी समय रॉनी हेसलॉप अपनी माँ व मंगेतर को वापस ले जाने के लिए फील्डिंग के घर पहुँचता है। रॉनी बहुत ही शक्की व घमंडी टाइप का इंसान है। रॉनी एडिला को दो भारतीयों के साथ अकेला देखकर बहुत गुस्सा होता है और सिरिल फील्डिंग को खारी खोटी सुना देता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर अजीज मिसेस मूर और एडिला को मारावार की गुफाएं देखने के लिए आमंत्रित करता है। केव में जाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती है, लेकिन अंत में सिरिल फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले नहीं आते हैं, तो अजीज, मिसेस मूर, एडिला और एक गाइड चारों केव की ओर जाते हैं। मारावार की गुफाएं शहर से 17 मील की दूरी पर स्थित होती है। जब सब मारावार गुफा में पहुंचते हैं, तब मिसेस मूर को पता चलता है कि केव में आवाजें गूंजती है और केव में अंधेरा भी है और मिसेस मूर को क्लास्ट्रोफोबिया है, जिस वजह से मिसेस मूर वापस चले जाते हैं। तो डॉक्टर अजीज, एडिला और गाइड केव में जाते हैं। जाते समय एडिला डॉक्टर अजीज से अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछती है, जैसे क्या तुमने शादी किया है और अगर हाँ तो तुम्हारे कितनी पत्नियाँ हैं। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर अजीज को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, तो वो शांत होने के लिए थोड़ी देर दूसरे केव में चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब अजीज वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर एडिला नहीं है। अजीज डर जाता है और गाइड से पूछता है, तो गाइड कहता है कि उसे भी नहीं मालूम। तो अजीज को बहुत गुस्सा आता है और गाइड को एक तमाचा लगा देता है। उसे एडिला का टूटा हुआ दूरबीन दिखाई देता है। अजीज जब भागते हुए बाहर आता है तो वो एडिला को देख पाते हैं, जो स्टेशन की ओर जा रही होती है। तो डॉक्टर अजीज को थोड़ा राहत मिलता है, पर जब अजीज स्टेशन पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि एडिला ने उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने एडिला को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। फील्डिंग अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन सारे कोशिशें नाकाम हो जाते हैं और डॉक्टर अजीज पर मुकदमा दायर हो जाता है। हमेशा से भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक मनमुटाव सा था और इस घटना की वजह से यह मनमुटाव और ज्यादा गहरा हो जाता है। बट मिसेस मूर इज सैड बिकॉज शी बिलीव्स इन अजीज इज इनोसेंट। मिसेस मूर इस घटना से दुखी होती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अजीज इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब मिसेस मूर के बेटे रॉनी को इस बात का पता चलता है कि उसकी माँ भारतीयों के पक्ष में है, तो वे मिसेस मूर को वापस इंग्लैंड भेज देते हैं और समुद्री रास्ते से वापस जाते समय मिसेस मूर की मृत्यु हो जाती है। जब मुकदमा शुरू होता है तब अजीज का एक दोस्त कचहरी में आकर जोर जोर से चिल्लाता है कि अजीज निर्दोष है और ये बात एकमात्र मिसेस मूर ही जानती थी, लेकिन रॉनी ने चालाकी से उन्हें हटा दिया और भारतीय मिसेस मूर के नाम की माला से जपने लगी मानो कि वो देवी हो। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मिसेस मूर की अब मृत्यु हो चुकी है। अब मुकदमे के अंतिम समय में एडिला को अपनी गवाही देनी होती है, तो तभी भारतीय समूह के लोग जोर जोर से मिसेस मूर के नाम लेने लगे, जिससे एडिला के कानों में एक भिन्न भिन्न आवाज से गूंजने लगी। जब से एडिला केव से वापस लौटी है तब से इस सब का असर उस पर पड़ा और वो सम्मोहित सी हो जाती है। और जब सरकारी वकील उससे पूछता है कि केव में उसके साथ क्या हुआ था, तो केव की घटना एडिला के आंखों में एक चित्र के भांति घूमती है और सब कुछ साफ हो जाती है। दरअसल क्या होता है, जब एडिला गुफा में होती है तब अंधेरे गुफा में आवाज गूंजने की वजह से वो डर जाती है और भागते हुए बाहर की ओर जाती है, तो भागने की वजह से वह कई बार गिर भी जाती है, जिस वजह से उसे गंभीर रूप से चोट भी लगती है। इन सब के चलते उसे ऐसा महसूस होता है कि अजीज ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। कचहरी में एडिला कुछ देर तक हिचकती है, फिर वो अपने निर्णय को बदलती है और डॉक्टर अजीज पर लगाए सभी आरोपों को वापस ले लेती है। फिर डॉक्टर अजीज को रिहा कर दिया जाता है। उस समय वहाँ पर रॉनी भी बैठा होता है और एडिला की बदलती निर्णय से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब अंग्रेज समाज में एडिला के प्रति नाराजगी है क्योंकि एडिला की वजह से उन्हें भारतीयों के सामने नीचा होना पड़ा। इस घटना के बाद रॉनी एडिला से शादी करने से मना कर देता है। तो जब तक एडिला इंग्लैंड वापस नहीं जाती तब तक वो फील्डिंग के घर में रह रही है और इस बात का असर फील्डिंग और अजीज के दोस्ती पर पड़ा। एडिला के प्रति फील्डिंग की निष्ठा को देख अजीज के मन में एक संदेह बैठ गया,
क्योंकि अजीज का मानना है कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर थी और ये सब जानते हुए भी फील्डिंग एडेला को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, जिस वजह से उनके संबंधों में एक दरार पड़ जाता है और इस संदेह के चलते दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद फील्डिंग वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल के उपरांत डॉक्टर अजीज मऊ के हिंदू राज्य के यहाँ राज चिकित्सक के रूप में नौकरी करता है। वो 2 साल बाद फील्डिंग दोबारा से भारत आया हुआ है। जन्माष्टमी के दिन फील्डिंग किसी काम से वहाँ पर आता है और डॉक्टर अजीज से दोबारा से मुलाकात होती है। अजीज को लगता है कि फील्डिंग और एडेला ने आपस में शादी कर ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल फील्डिंग ने मिसेस मूर की बेटी स्टेला से शादी की है। जब अजीज को इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कहानी के अंत में फील्डिंग और अजीज जंगलों में घुड़सवारी करने के लिए जाते हैं और अब उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन दोनों में पहले जैसी दोस्ती नहीं होती है, क्योंकि गलतफहमियों की वजह से उनकी दोस्ती में काफी दूरियां आ गई थी जिसे भर पाना बहुत मुश्किल है। लास्ट में अजीज कहता है, फील्डिंग एंड आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स अंटिल इंडिया इज फ्री ऑफ द ब्रिटिश राज, मतलब जब तक भारतीय अंग्रेजों से आजाद नहीं हो जाते तब तक फील्डिंग और मैं कभी वास्तविक दोस्त नहीं बन सकते।